अभी हम क्या बनाएंगे? चिकन फ्राइड राइस बनाएंगे। चिकन फ्राइड राइस, चिकन फ्राइड राइस का शुरुआत में कुछ करना पड़ता है? हाँ, शुरुआत में पहले राइस तो होते हैं, राइस बॉयल करके रखते हैं। हाँ। उसके बाद राइस एक घंटा भिजाना पड़ता है, भिजाना पहले भिगाने का। अच्छा, पहले जो राइस बासमती राइस चल रहा है, हाँ, उसको भिगा के एक घंटा रखना पड़ेगा। हाँ। उसका बाद पकाने का। अच्छा, चाइनीज के हिसाब से पकाना, थोड़ा कड़क पकाने का है। अच्छा। उसके बाद फ्राइड राइस बनने का बोले तो चिकन आला बोनलेस चिकन, उसके बाद अंडा डाल के, अंडा और मैदा कॉर्नफ्लोर दोनों कोटिंग करके ऑयल में फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद फिर रखना है, फिर फ्राई को कटिंग करके फिर अंडा चिकन फ्राइड राइस में डालने का है। अभी मैं चिकन फ्राइड राइस बनाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है। ఏం లేదండి, రైస్ నానబెట్టాలంట, ముందు ఒక గంట ముందైనా నానబెట్టాలంట, పలుకు పలుకుగా వండుకొని పక్కకు పెట్టాలి, ఆ వండింది కూడా చల్లారాలి. ఇప్పుడు రెండు కోడిగుడ్లు అయినా అవి, ఏ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ మీద దో అండా, దో అండా. ఠీకే. ఇప్పుడు మనకి ఒక్క ఫ్రైడ్ రైస్ ఎలా చేస్తారు హోటల్ స్టైల్లో రెస్టారెంట్ స్టైల్లో చూపిస్తున్నారు. అవి కడాయి లియా, कढ़ाई सफाई करने के लिए ये सबसे बेटर है। अच्छा, इसे सेपरेट। हाँ, चाइनीज सिर्फ कढ़ाई छटी। हाँ, ओनली कढ़ाई सफाई के लिए ये झाड़ू बना के रखते हैं। अभी ऑयल डाला। हाँ ठीक है, राइस चिपकेगा नहीं, इसके लिए थोड़ा तेल पिला रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ऑयल इतना चुट्टू चलकोवालंटंडी, मनलागा नॉन स्टिक ला చేస్తలేరు. ఇప్పుడు చికెన్ ఏం చేశారంటే వీళ్ళు హోటల్లో కాబట్టి ముందే బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నారు. ఎట్లా అంటే మనం బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకొని దాన్ని కోడిగుడ్డు మైదా కార్న్ఫ్లవర్లో ఇట్లా డిప్ చేసి ఫ్రై చేసి పెట్టారు. అండా ఇప్పుడు కొట్టిన కోడిగుడ్డుని వేసేసారు. తిక్కా చాయేదో థోడా హరా మిర్చి కటింగ్ యాడ్ కర్నా హై. తిక్కా చాయేదో పచ్చిమిర్చి, हरा मिर्च को हम पचमिर्ची बोलते हैं। अच्छा, हम लोग कंचा लंका बोलते हैं। क्या? कंचा लंका। कंचा लंका। कंचा लंका। कंचा लंका। हाँ। अभी दोनों फ्राई हो गया। अभी ये चिक राइस डालता हूँ। हाँ। एक फ्राइड राइस, मतलब एक एक प्लेट, एक पोर्शन। नमक। उप्पु। अजिनोमोटो। अजिनोमोटो चाइनीज सॉल्ट। नमक को हाफ टी स्पून, अजिनोमोटो पाव टी स्पून, सोया चे सोया सॉस, सोया सॉस, थोड़ा सीजन सॉस, ये सीजन सॉस, सीजन सीजन शेजवान सॉस, शेजवान सॉस, थोड़ा ऐड करते हैं। हाँ, थोड़ा मन के बाइट तब तक अपने माउस लो शेजवान सॉस फुल आएगा। उसके बाद थोड़ा चाइनीज़ भाजी ऐड करते हैं। ओ, बॉइल्ड का नहीं, कच्चा कच्चा कैरेट कैबेज पचड़े सर अंडे, अभी जस्ट हाफ बॉइल होता था अंते ఇక్కడ అంటుకోవట్లేదు కొంచెం కూడా. దాని మెయిన్ ఏంటంటే కారణం దాని ముందు సీజనింగ్ చేశారు ఆ కళాయిని. మన చైనీస్ ఫ్రైడ్ రైస్, చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్, చైనీస్ చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్, చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ రెడీ. ఆ బౌల్ మే రెక్కింగ్. Oh my god, it comes only with experience. Ready. So, ఈ రోజు మనం అభిరామ్ గారి పర్యవేక్షణలో ఒక సీనియర్ షెఫ్ అయిన వారి దగ్గర నుంచి చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ ఎలా చేస్తాము అండ్ ఆలు గోబీ మసాలా ఎలా చేస్తాము నేర్చుకున్నాము. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక బ్యూటీ తెలుసా, ఆయన చిటికలో చేసేసారు కరెక్టే, కానీ మనకి చూపించడానికి అస్సలు హెసిటేట్ చేయలేదు. ఎంత హ్యాపీగా వెల్కమ్ చెప్పారంటే నిజంగా గ్రేట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. మరొక అద్భుతమైన మహాబలేశ్వరం రెసిపీతో మిమ్మల్ని మళ్ళీ కలుస్తాను. सबसे अच्छा आजकल ये गाढ़ा में कलर और अजिनोमोटो ज्यादा डालता है, सेहत के लिए अच्छा खराब है, बहुत खराब है. बच्चे लोग आजकल छोटा प्राइज में 50-60 रुपया प्राइज में खा लेता है, लेकिन खाली कलर और अजिनोमोटो ज्यादा है, ये सब खाना शरीर के लिए अच्छा नहीं है. होटल में जाइए, अच्छा होटल में जाइए, अच्छा खाइए, थोड़ा शरीर के लिए अच्छा है. लेकिन एक आलू गोभी में बनाया और अर्जेंट में धरो प्रैक्टिकल में कस्टमर है, अभी फूल है, अभी कल तुम्हारे पास आलू गोभी बॉयल खलास हो गया, क्या करेंगे? कैंसिल नहीं करना है, कस्टमर को देना है. कस्टमर बोला मेरे को आलू गोभी चाहिए, फटाफट आप गोभी कटिंग करने का, आलू कटिंग करने का, ऑयल बैठाने का स्लो गया.
गैस में ऑयल फ्राई कर देने का, फिर वो डिश तैयार करके कस्टमर को देना चाहिए। कस्टमर अच्छा सर्टिफाइड होएगा तो खाना खाए के शांति होएगा, खुश हो जाएगा, ऐसा है। हम लोग का मच्छी बनाते हैं, हम लोग का तलाव है, घर घर में तलाव है, हम लोग तीन कर तलाव है। तो हम लोग इधर मसाला बैठाते हैं, हम लोग जाल लेके जाते हैं और मच्छी पकड़ के लेके आते हैं, कटिंग करके जिंदा फ्राई करके बनाते हैं। सबसे टेस्टी है, सबसे टेस्टी है मच्छी करी, और सबसे सस्ता भी है उड़ीसा में। अच्छा, हम लोग घर में सब बनाकर खाता है, फ्रेश ताजा। ये समुद्र का मच्छी हम लोग खाने को इतना ये नहीं है, मीठा पानी का मच्छी हम लोग खाते है, अच्छा बनाता है, अच्छा खाता है। बाकी सबको हम खाना भी खिलाता है, अच्छा खिलाता है, नो कॉम्प्रोमाइज। दिल मन लगा की काम करना है, मतलब ध्यान डाल के काम करना है। काम में कराए तो एक खाना आइटम बनाने का बोलेगा तो अच्छा है, सब सामने वाला खुश होना चाहिए। खाना क्या अच्छा पका, कौन कौन से जगह में आजकल खाना अच्छा पकाता नहीं है, लेकिन क्या करेगा। अभी कुक 15 दिन काम करता है मेरे पास, तो छोड़ के चला जाता तो आपके पास बोलता है मेरे को इतना पगार तो मैं कुक बन गया, लेकिन कुक नहीं है मेरे पास। कितना कुक आए 25-30 हज़ार पगार मांगे, मैं खरे दाल फ्राई बनाने के लिए बोला, पापड़ रोस्टेड करने के लिए बोला, लेकिन नहीं होता है। तो बोलते हैं मैं ऑलराउंडर है, सब कुछ बनाएगा, स्वीट चाइनीज पंजाबी सब कुछ, लेकिन नहीं होता है। बात बोले से क्योंकि मेरा प्रैक्टिकल है ना, मैं पहचान लेते हैं डाबू पकड़ने का कैसा, फ्राई पैन पकड़ने का कैसा, छुरी पकड़ना कैसा, कटिंग करना कैसा, ऐसा नहीं होता है उन लोगों के पास। खाली पगार लेने के लिए बोलते हैं वो लोग। अभी क्या आजकल दुनिया ऐसे ही है, कुछ बोल नहीं सकते, कर सकते। हर जगह में खाना अच्छा नहीं मिलते, किधर बहुत जगह कस्टमर आके बोलते हैं अभी इतना बोलना है, सब का बारे बोलना अच्छा भी नहीं है। हर रोज आपके पास कितने कस्टमर आता है? बहुत बड़ा बड़ा सीजन में, ऑफ सीजन है, ऑफ सीजन में मेरे पास जो पहले खा के गए थे उनका कहाँ भी मेहमान भी आता है, महाबलेश्वर में मेरे पास फोन करके भेजता है कि महाराज तुम्हारे पास में एक कस्टमर को भेजा है, खाना देख लो अच्छा से। मैं बोला मैं पूरा अच्छा से देखता हूँ, सब लोग खुश है। पहले से 20 साल हो गया मेरे को इधर, 30 साल हो गया मेरे को, 92 से मैं इधर ही आया। मेरा कभी चाइनीज से पहले मैं इधर लाया महाबलेश्वर में, अभी तक तो गाढ़ा फड़ा हो गया, लेकिन पहले कोई नहीं था। लेकिन मैं जब से आया चाइनीज से इधर लाइन लगते थे, सारी मार्केट लाइन लगते थे, वेटिंग में थे, ये सब वेटिंग में बनाया था। वेटिंग करते थे तो भी टेबल खाली होता था, फिर बैठते थे, नहीं तो टेबल खाली नहीं होता था। इतना रात 12-1 बजे तक चलता था सवेरे से, जब अभी कंपटीशन बड़ा हो गया, कंपटीशन बड़ा हो गया, फिर भी चलता रहता है। सीजन बाई सीजन है इधर, मैं सीजन में अल्टीमेट का विन है ये टेस्ट, मेरा तो टेस्ट होना जरूरी है। टेस्ट नहीं होगा तो फिर दोबारा कोई आएगा, दोबारा नहीं आता। मेरा तो माँ पिताजी आते थे, उनका बच्चे आते थे, उनका बच्चे को बच्चा आ रहा है अभी महाराज रंबा रेस्टोरेंट में। रंबा मेनका उर्वशी जैसा है मेरा खाना, ऐसा ही है। ओ, इसका मतलब ये है रंबा का मतलब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, अब समझ में आया। मैंने सोच रही हूँ रंबा का मतलब, रंबा क्या मतलब क्या है। ठीक है, रंबा उर्वशी मेनका तिल अन्नम की वालन पोलिस्तम कदा टेस्ट की अंदर रंबा अंडा ही ना, वो जैसा खूबसूरत है वैसा हमारा खाना भी टेस्टी है। अच्छा अच्छा अच्छा, नाइस, वेरी नाइस। अब हम लोग जब पकाते हैं ना, क्या मिस करते हैं रेस्टोरेंट का टेस्ट घर में नहीं आता, हम लोग क्या मिस करते हैं? नहीं, वो जानकारी होना चाहिए, दिल डाल के कोई डाल मैंने बनाता नहीं खाना, खाना मनसपेटी बन डाल, खाना पकाने का इधर है जबरदस्ती, ध्यान किधर है, ऐसा नहीं चलता है। खाना पकाने का मैं सवेरे से आता हूँ, मेरा घर का मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं हट जाता है, मैं ध्यान नहीं करते घर में कौन है क्या है, बीबी है बच्चे है सब है, लेकिन मेरे को उधर जाना ही नहीं ना ध्यान, मेरा मेरा खाना है। आएंगे तो मेरा कस्टमर आएगा, गेट से मेरे को मालूम पड़ जाता है ये कस्टमर क्या खाने वाला है, तो वो हिसाब से मैं कंफर्टेबल मेरा दिमाग में ले लेता है। तो कस्टमर पूछते हैं मेरा क्या खाऊं क्या बनाएंगे अच्छा, मतलब आप जो बोलेंगे मैं उस हिसाब से बना देगा, तो बोल देता है मेरे को ऐसा चाहिए, मैं सब बना देता है। अच्छा, खुश हो जाते लोग स्पाइसी ज्यादा बोलते हैं, ऐसा स्पाइसी बोलते हैं, ऐसा स्पाइसी बना देंगे, डबल स्पाइसी बना देते हैं, कोल्हापुरी स्टाइल, कोल्हापुरी ऑर्डर दे की आप बोलेंगे मेरे को कोल्हापुरी दो, कोल्हापुरी देंगे फिर बोलेंगे मेरे को मिर्ची कम दो, फिर मैं ऑर्डर कैंसिल कर देता है। हाँ। क्योंकि कोल्हापुरी माने कोल्हापुरी। अच्छा, मैं उसमें से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। अच्छा, कोल्हापुरी डिश देगा तो आपको अच्छा लगना चाहिए, लेकिन आप बोलेंगे मिर्ची नहीं डालना, ये नहीं डालना, वो नहीं डालना, फिर कोल्हापुरी मत लीजिए। अच्छा। मिक्स वेजिटेबल ले लीजिए। हाँ। और कुछ ले लीजिए, कोल्हापुरी मत ले लीजिए, कोल्हापुरी तीखा आता है, माने तीखा ओरिजिनल बटर चिकन में। हाँ, और एक बात बोलता हूँ, इधर नगर पालिका एक डायरेक्टर वो आए थे, सीओ सीओ जी आए थे एक दिन मेरे को, वैसे बैठे थे मेरे को बोले अमेरिका सबसे में स्वीट नहीं बनाने का, तो मैं बोला कैसा बनाने का, ना ऐसा ऐसा बनाने का, ऐसा ऐसा बनाने के लिए मैं दिया। मेरा मालिक भी बैठे थे, बड़ा मालिक बैठे थे, जगह का मालिक बैठे थे, तो बोले कहीं अच्छा नहीं लगा,
फिर मैं उधर से मेरे को बुलाए, फिर मेरे को बोले कि थोड़ा अच्छा नहीं लगा, मैं बोला ठीक है आप बैठो, आपका अमेरिकन चौपसी दे दिया, अच्छा नहीं लगा, मेरा अमेरिकन चौपसी देता हूँ, मेरा अमेरिकन चौपसी दिया, इतना खुश तारीफ कर करके ना और पूछो मत। शेठ तो मैंने शेठ बोला देखा मेरा महाराज का, मेरा महाराज का हाथ का, वो जैसा उनको मालूम है वैसा बना के देंगे, मैंने ऐसा बना के दिया, बहुत खुश होकर गए। సూపర్ అంటే ఏది ఒరిజినల్ టేస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మిస్ చేయొద్దు. చైనీస్ అంటే చైనీస్ లాగానే చేయండి, పంజాబీ డిష్ అంటే పంజాబీలానే, కొల్హాపురి అంటే కొల్హాపురినే, తప్పితే దాంట్లో మీ టేస్ట్ యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేయొద్దు ఎప్పుడు అంటున్నారు. గ్రేట్, నిజంగా గ్రేట్ టిప్ అది. ఆర్ ముజే ఆర్ ఎక్ డౌట్ హే క్యా బోల్కే స్పైసీ బనానే మే రియల్ టేస్ట్ किलो हो जाता, थोड़ा लोग स्पाइसी मांगते मेरे जैसे, थोड़ा लोग स्पाइस नहीं मानते, उसको स्पाइसी खाने में उसको अच्छा नहीं लगता, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, कौन सा करेक्ट है? नहीं ऐसा नहीं, मैं समझा नहीं थोड़ा, अच्छा तीखा देखिए स्पाइसी खाना है मजा आता है, अच्छा एक डिश, एक डिश में स्पाइसी खाने में थोड़ा मजा आता है, टेस्ट फुल होता है, लेकिन जो पीना स्पाइस का खाता है ना तो उनका तबीयत का वजह से वो कुछ हुआ होगा, लेकिन स्पाइसी थोड़ा खाना ही चाहिए, अच्छा खाना चाहिए तो शरीर में थोड़ा ब्लड जो है ना सर्कुलेशन ज्यादा होता है, अच्छा फास्ट होता है, अच्छा सर्कुलेशन तीखा वजह से ऐसा ही सब है, लेकिन जिसका तबीयत खराब है वो तो स्पाइसी नहीं खाता तो नहीं देने का, ऐसा भी बात है, वो अलग आइटम देने का, उनको स्वीट आइटम देने का, मक्खन वाला देने का स्वीट आइटम थोड़ा आता है, उसमें मावा क्रीम वगैरह आता है तो वो डिश देने का उनको, तीखा वाला को तीखा हिसाब से बना के देने का, बेगर तीखा वाला को बेगर तीखा हिसाब से बना के देने का, अच्छा जब ये वही चाहिए तो बिना मिर्ची का भी बना के दे सकते हैं, वो खा सकते हैं, खा सकते हैं। आप स्पाइसी खाते हैं नॉन स्पाइसी खाते हैं? मैं सब कुछ खाता है, जिधर जो जिधर ऐसा नहीं, मैं घर पे थोड़ा ही खाता था पहले, अभी थोड़ा उम्र हो गई लेकिन कम खाता है, लेकिन खाता ही स्पाइसी थोड़ा होना चाहिए, बिना बाइस का मेरे को अच्छा नहीं लगता है। आपके 40 साल का जर्नी में कौन सा चीज आपको बहुत अच्छा लगा, लाइक डिश है तो ऐसा बोल के कौन सा वो जो होता है आपके मर्जी में? मेरा एक चिकन तयानी है, चिकन तयानी हाँ, मेरा टैनी चिकन चिल्ली बोलते हैं उसको, तयानी बोलते हैं मैं, मेरा ओडिशा टूरिज्म का अच्छा डिश है, स्पेशल डिश है, अच्छा तो मैं उसको बराबर बनाता है, एक आइटम कोई वो चाइनीज चिकन तयानी एक प्लेट खाएंगे ना विद बोन आता है, बोन में उसको अंडा कन्फर मैदा सब डाल कर कोटिंग करके फ्राई कर देता है, फ्राई करने के बाद फिर कांदा मिर्ची चिल्ली चिकन का जैसा बनाता है, लेकिन बोन आता है और वो अच्छा टेस्टी आता है, अच्छा। वो एकदम फेमस डिश है मेरा, आज बनाएंगे वो अभी नहीं है मेरे पास, मतलब लाकेंगे हाँ लाकर बना सकते हैं, ठीक है वो इतना अच्छा है ना, ज्यादा करेंगे डिंग में अच्छा है, मैं अब सुनने के बाद स्नैक्स में बहुत अच्छा है, नाक विंटुंट ने तिनाल अनपिस्तुंदे, आप जो बता रहे हैं मुझे खाने को मन करता है, नहीं इसमें से मैं फ्राई में बना सकते हैं, लेकिन अभी चिकन लाना पड़ेगा, हाँ इसमें से बनाना चाहिए तभी वो अच्छा लगता है, एकदम एकदम मतलब ड्रिंक तो पागल होता है आदमी, पागल अच्छा तभी तो बनाना ही पड़ता है, बनाना ही पड़ता है, मतलब मेरा तो सब कुछ है ऐसा, सब दिल डाल कर पकाता है मेरा, मसाला दिल का है, अच्छा मन लगा कर काम करता है, वो मेन चीज है, ध्यान इधर उधर होएगा खाना पकाने का इधर तो फिर गया काम से, मैं आपका अपना का कुछ डिशेस आपको भेजती हूँ, आप दिखा देखिए, देख के मुझे फोन करके बताइए मैं कैसे बनाया, दिल करके ये मन से या नहीं, आपके जैसे 40 साल का एक्सपीरियंस का इतना कुकिंग में इतना पैशन तो नहीं है, आपसे कुछ लफ्ज आया तो मेरा दिल खुश हो जाता, ठीक ठीक ठीक, मुझे ठीक तरफ हिंदी नहीं आता मगर मैं कोशिश तो कर रहे हूँ, कोशिश तो हाँ हाँ थोड़ा भाव को बराबर हाँ थोड़ा ट्रांसफर करने के लिए, सब जगह में सब नहीं होता है ना, कौन सा जगह में जाना है तो वो हिसाब से रहना जरूरी है, भैया टेस्ट करेंगे, हाँ टेस्ट करिए, चिकन फ्राइड राइस बस 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 बस, और गोभी मसाला, गोभी आलू गोभी मसाला, आलू गोभी मसाला, आलू गोभी मसाला थोड़ा बस है बस, छोटा उनका दर्पण है, चिकन दिन्दम बहुत टेस्टी है, एकदम बढ़िया, थैंक यू मैडम, एंड आलू गोभी, आलू गोभी यस, बिल्कुल पकाया, वाह पक गया, टेस्ट भी अलग सा है, కొంచెం పంజాబీ కా పంజాబీ స్టైల్ చాలా చాలా బాగుందండి, నన్ను క్లియర్ కట్లా చూపించారు చెప్పారు, మీరు ఇంకా చేయటమే ఆలస్యం.